आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनके ट्वीट को जानबूझकर बीजेपी तोड़ मरोड़कर अपने तरीके से पेश कर रही हो, वो सफाई दे रहे हैं आपके ऊपर जो बयान दिया। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time.